आरती करते हैं वीडियो में, आप बने रहिएगा। अपने भाई का घर पहुंच गया हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भी दिवाली मनाने के लिए जा रहा हूं अपने छोटे भाई का घर। तो अभी जस्ट क्लास फिनिश किया हूं, आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूं। अभी जस्ट क्लब के बाहर ही निकला हूं और वीडियो शूट कर रहा हूं। तो टाइम काफ़ी हो गया है, आई थिंक 7:50 हो गया है। तो जल्दी पहुंचना है, भाई का कॉल पे कॉल आ रहा है कि वहां पे मेंबर वेट कर रहे हैं उनका, तो मुझे जल्दी जाना है। तो 10 से 15 किलोमीटर दूर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा भाई का घर, जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कैसे हम लोग वियतनाम में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं आपको दिखाएंगे। तो वीडियो कंटिन्यू आप देखिएगा, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, चलते हैं और डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली अपने भाई का घर पहुँच गया हूँ और डायरेक्ट रेडी होकर आप लोग के सामने आया हूँ। तो देख लीजिए, मेंबर काफी सारे हैं। अभी बंद कर दो। तो आरती सबके साथ अभी होगी, सब मेंबर है, ये हमारी जी है। तो देखिए दिवाली फेस्टिवल, हमारे मेंबर के साथ मन रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है। और इधर भगवान का हम लोग आगमन किए हैं, लक्ष्मी माता। तो आरती करते हैं वीडियो में, आप बने रहिएगा, आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा वियतनाम में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अरे वहाँ वहाँ किला मंडल तो कोई दिक्कत नहीं, किला मंडल है। हाँ, हो गया, हो गया ना। सब करेंगे एक बार, सब साथ में आ रही, तब उसके बाद लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता। हाँ तो जी, पूजा कंप्लीट हो गया है, अभी फोटो सेशन था तो फोटो सेशन सबका कंप्लीट हो चुका है। एक हमारे मेंबर यहाँ भी है बैठे हुए, आई थिंक पता नहीं कौन से कंट्री से, साउथ अफ्रीका या फिर कौन से कंट्री से पता नहीं। और एक इनके हस्बैंड भी हैं, पता नहीं कौन से कंट्री से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? वेयर आर यू फ्रॉम? नम्फी। नम्फी, तो जी नम्फी कंट्री से हैं जी ये। ठीक है, तो भाई ने इन्वाइट किया था सभी को, अच्छा लगा, सभी मेंबर जितने मेंबर आए बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों के साथ दिवाली मनाए तो मतलब फैमिली का कमी महसूस नहीं हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। आरती भी हुआ गणेश जी का और लक्ष्मी भगवान का भी आरती हुआ, तो रियली बहुत अच्छा लगा, आपको भी आई थिंक अच्छा लगा होगा। तो भाई साहब अब हो गई पूजा ख़त्म, अब आ गए खाने के बारी, सभी हमारे मेंबर रेडी हैं खाने के लिए। गौन खम, तो सभी बोल रहे हैं भाई खाना टेस्टी है ना, सभी मेंबर काफ़ी खुश हैं। तो देखिए खीर है और मटन का सब्जी है, पूड़ी है, तो हम और मनीष मिलकर पूड़ी बना दिया। एक्चुअली मनीष पूरा तैयारी करके रखा था पूजा का, मेरा तो आने में लेट हो गया। एक्चुअली हम 8 बजे तक यहाँ पहुँचे, अभी गाड़ी स्पीड से चलाएँ तो पहुँचे। पूजा सम्पन्न हुआ जी, लक्ष्मी पूजा, तो काफ़ी अच्छा लगा कि वियतनाम में भी रह के अपने कल्चर को निभाएं जितना हो सका, अपनी परंपरा को हम लोग वियतनाम में भी नहीं भूले हैं।
जितना पॉसिबल हो पाता है गाइस उतना हम लोग जरूर करते हैं। जो पर्व फेस्टिवल पॉसिबल होता है मनाने का जरूर मनाते हैं। अब जैसे छठ पूजा आ रहा है तो वो तो पॉसिबल नहीं है तो नहीं मना पाएंगे। और मेंबर काफ़ी खुश हैं तो अभी मेंबर के साथ हम भी खाएंगे और फिर अपने अपने धीरे धीरे घर जाएंगे। कई मेंबर धीरे धीरे घर चले जाएंगे, चले गए हैं खा के। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो में। गाइस रियली यार खाना बहुत अच्छा बनाया है। मजा आ रहा भाई खाने। दिल में लग गया। दिल से अच्छा लगा भाई खाना। सभी मेंबर का खाना पीना हो गया। अब ये लोग जा रहे हैं घर, विदाई समारोह हो गया। ये लोग बच्चे लोग भी थोड़ा थोड़ा खाया। वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा काफी क्यूट बच्चा है अभी। ये लोग खाना नहीं खाए, सिर्फ मोबाइल में गेम खेल रहे थे ना। ये लोग बहुत खुश हो गए हैं जी। जितने भी सिस्टर लोग हैं, आंटी लोग हैं, ये लोग वो नीचे छोड़ने जा रहा है भाई। तो छोड़ के आता फिर आप लोग से बात करता हूँ। ओके बाबा यहाँ अप्लाई है ना बाबा। सो गाइस सब कुछ कंप्लीट हो गया। मेंबर अपने अपने घर चले गए हैं और हम लोग भी अपना खाना फिनिश कर लिया जी। देखिए और मेंबर लोग को काफ़ी मज़ा आया। दिवाली इन्जॉय किए वो लोग, सेलिब्रेट किए हम लोगों के साथ में। और वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये छोटा भाई है जो कि दिवाली का पूरा प्रोग्राम इन्होंने ही सेट किया था और पूरा तैयारी करके रखा था। हम तो बस क्लास ख़त्म हुआ, आए थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज किए, नहाए वहाँ बस दिवाली में आ गए। काफ़ी अच्छा देखिए इन्होंने रेडी किया, यहाँ स्वास्तिक बना है। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा आपको भी। जैसा हम लोगों से हुआ, हम लोगों ने मनाया दिवाली अच्छे से, लक्ष्मी माँ का आगमन किया और लक्ष्मी माँ का आरती भी किया और गणेश भगवान का भी आरती हम लोगों ने किया। गाइस बस दिखाना था आप लोगों को दिवाली कि यहाँ पर हम लोग किस तरह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और रियली काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी कि पहले बार तो दिवाली हम वियतनाम में सेलिब्रेट किए थे, बकनिन में, जो कि अपने फ्रेंड के घर पे, और आज पर्सनली अपने छोटे भाई के घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो रियली गाइस बहुत मज़ा आया। ठीक है गाइस, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।